नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की वीडियो और फोटो वायरल। तहखाने में शिवलिंग होने का दावा, हिंदू पक्ष कर रहा दीवार तोड़ने की मांग। औरंगाबाद के पुणे में गर्जे राज ठाकरे, शिवसेना को घेरते हुए कई मुद्दों को उठाया। तबियत के चलते रद्द किया अयोध्या दौरा। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से बौखलाई शिवसेना। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर बोली शिवसेना, जनता को बेवकूफ बनाने की सरकार की फितरत। अमित शाह का राहुल गांधी पर करारा प्रहार, बोले इटालियन चश्मा उतारे बाबा फिर दिखेगा देश में विकास। इमरान खान ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश नीति को सराहते हुए कहा भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की फोटो और वीडियो दोनों तेजी से वायरल हो रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। अब सामने आई तस्वीरों में ज्ञानवापी के तहखाने में मलबा दिखाई दे रहा है। सर्वे के दौरान सर्वे करने वाली टीम और वीडियोग्राफी करने वाले लोग इस दीवार के आगे नहीं जा सके थे, जिसके बाद हिंदू पक्ष इस दीवार को तोड़ने की मांग कर रहा है। ये भी दावा हो रहा है कि इस तहखाने में एक नहीं बल्कि शिवलिंग कई विराजमान है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई तहखाने में एक नहीं कई शिवलिंग हो सकते हैं और ये कोई भी दीवार मिली है उसे गिराने की मांग हो रही है? देखिए, जो हिंदू पक्ष लगातार एक बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि एक शिवलिंग 12 फीट वो उन्हें मिल गया जी। दूसरा जो सबसे अहम है और जो होना भी चाहिए, ये कह रहे हैं कि जो ऊपर में जो शिवलिंग नजर आ रहा है वो नीचे भी है जी। और वो बंद पड़ा हुआ है, तो प्ली ये की जा रही है कि उस दीवार को तोड़ा जाए जी। ये पता लगाया जाए शिवलिंग कहाँ से है, कब तक का है। हिंदू पक्ष सत्य की खोज में जुटा हुआ है, सत्य का आग्रह कर रहा है कोर्ट से कि माय लॉर्ड, आप उस तरह का फैसला दें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जी। मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा है कि जो है, जो ढका छिपा है वो ढका छिपा रहा जाए, जहां शिवलिंग है वहां उन्हें वजू करने की अनुमति दी जाए, जो शिवालय है वहां पे ये शौचालय बना करके रखना चाहते हैं। इन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी जिद पे अड़े रहना है कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी जी। यही तो बात कह रहे हैं ये लोग। लेकिन अब कोर्ट का मसला है, ये तो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी इन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाओ, कल 4 पिटिशंस की सुनवाई शुरू होगी जी। और ये जो आपने खबर दी कि कई सारे तहखाने की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें, वीडियोस ये सारे बाहर आ रहे हैं, ये सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि दिस इज हाई टाइम, इंडिया मस्ट नो द ट्रुथ, सत्य क्या है, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके तहखाने में क्या छिपा है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और इसमें न कोई संविधान न कोई कानून, सत्य दुनिया के सामने आए, इससे बड़ा काम तो कुछ हो नहीं सकता। अब बनारस के कोर्ट में ये फैसला होगा कि सत्य को दबाना है, सत्य को छिपाना है, या फिर सत्य की खोज करनी है और दुनिया को सच बताना है जी। डॉक्टर साहब,
एक तरफ शिवलिंग मिलने का दावा ठोका जा रहा है तो दूसरी तरफ राज ठाकरे शिवसेना पर हमला करते हुए जमकर बरस पड़े। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर राज ठाकरे ने कई मुद्दों को उठाया और शिवसेना पर कई तीखे सवाल किए और अपने अयोध्या दौरे को रद्द करने का कारण भी साफ किया कि अगर वो अयोध्या जाते तो उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए जाते। उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन तबीयत ठीक ना होने के कारण वो नहीं जा पाए। साथ ही पीएम मोदी से उन्होंने यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अपील भी की है। नवनीत राणा के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे की इस रैली से आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, फर्क तो पड़ गया। राज ठाकरे जो इस हनुमान चालीसा विवाद से पहले तक ही वॉज ऑलमोस्ट अ नॉन प्लेयर इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, अब लगातार इस हनुमान चालीसा अजान, अब जो उन्होंने मुद्दा एक्सटेंड किया है वो तो सीधे सीधे शिवसेना के प्लैंक को हड़पने में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व, असली हिंदुत्व, नकली उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक मैच्योर, इसको कह सकते हैं कि राज ठाकरे का ये जो सेकंड इनिंग शुरू हुआ है, ही इज प्लेइंग वेल, और बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ के तरह मुद्दों को भी उठा रहे हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं। अब इतनी सारी बातें हो गई, ये पूरा बवाल नवनीत राणा का क्या था कि शिवसेना शिव सैनिक के लिए मातोश्री किसी मंदिर से कम नहीं है जी। राज ठाकरे ने आज क्या कहा कि मातोश्री कोई मस्जिद है क्या कि जिसके आगे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा सकता जी। मुद्दा क्या क्या उठाया उन्होंने, उठाया कि भाई जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। बीजेपी के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में जनसंख्या कानून चल रहा है जी। उस पे काम चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम चल रहा है। उत्तराखंड में तो बाकायदा कमेटी उमेटी गठित कर दी गई, यूपी में भी शुरू हो चुका, मध्य प्रदेश में भी, असम में भी। बीजेपी की सरकार जहां जहां है, मतलब जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर थी और हिंदुत्व की बातें करती थी, आज राज ठाकरे ने इस बात के लिए बाध्य कर दिया उद्धव ठाकरे को कि वो प्रमाण देते घूम रहे हैं कि हम असली हिंदुत्व हैं। और ये उन तमाम मुद्दों को लेकर के जिसके लिए शिवसेना के समर्थक उन्हें वोट दिया करते थे उसको चैलेंज कर रहे हैं। यही बड़ा फर्क है कि राज ठाकरे इस हनुमान चालीसा एपिसोड से पहले ऑलमोस्ट साइड हीरो थे, अब वो लीड रोल में आ गए हैं और इसमें लड़ाई सीधे सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे है। और अब तक ये जो पिछले दो महीने से जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें ये यकीनन ये बात को कहा जा सकता है कि राज ठाकरे लीड ले रहे हैं, शिवसेना टूट रही है, शिवसेना के समर्थक शिवसेना और उद्धव ठाकरे से दूर जा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, एक तरफ राज ठाकरे के प्रहार से शिवसेना तिलमिला रही है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से शिवसेना को मिर्ची लग गई है। पीएम मोदी ने डीजल पेट्रोल के दाम में जो कटौती की है वो शिवसेना को भा नहीं रही है, जिसकी वजह से संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी बौखला गए हैं और कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये बात वो लोग कह रहे हैं जहां सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। महाराष्ट्र की जनता का दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता और अब जनता ही महाविकास आघाड़ी की सरकार को चुनावों में झुका कर रहेगी। डॉक्टर साहब, शिवसेना पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से इतना बौखला क्यों गई है? देखिए, बौखलाहट कहीं और की है और असर कहीं और जा रहा है जी। सवाल उनको राज ठाकरे के द्वारा पूछे गए, उनका देना चाहिए जवाब। मातो सर के आगे हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता जी। जवाब उनको देना चाहिए कि भाई जनसंख्या कानून के ऊपर आपकी क्या राय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपकी क्या राय है। ये तमाम चीजें हो रही हैं लेकिन डिफ्लेक्शन कहां से? ये सारे जो विपक्ष के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया 10 रुपए के आसपास पेट्रोल में जो राहत, तो राहत से तो परेशानी होगी किनको होगी? जो अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसको एक मुद्दा बना करके रखे हुए थे, महंगाई अब है क्या कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा महंगा है
सबसे ज़्यादा कीमत जो पेट्रोल डीजल का है वो महाराष्ट्र के अंदर है। केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब राज्य सरकार की बारी है, क्योंकि जो पेट्रोल की जो कीमत होती है उसमें स्टेट भी टैक्स लगाता है और केंद्र भी टैक्स लगाता है। राज्य सरकारें ये बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जाती है मोदी सरकार के द्वारा कि इसमें GST लगा दो, 28% कर दो, कम से कम 50% 60% के आसपास लोगों को टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, 30% टैक्स की कटौती हो जाएगी। ये कहते हैं कि नहीं, हमारी सरकार कैसे चलेगी। तो एक तो आप डीजल पेट्रोल को GST के अंदर आने नहीं देना चाहते, और दूसरी तरफ आप महंगाई को लेकर के मोदी सरकार को घेरना भी चाहते हो। तो मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया तो ये बिलबिला उठे। अब ये कह रहे हैं कि दाम पहले बढ़ा दो फिर घटा दो। अरे भाई, बात सिंपल सी है, महाराष्ट्र सरकार जो टैक्स ले रही है, जो आम जनता के पॉकेट से पैसे खींच रही, जो पॉकेट मारी कर रही है, वो बंद होगा या नहीं होगा? मोदी सरकार, BJP ने तो अपना काम कर दिया, आप कब अपनी दायित्व को समझेंगे? या फिर जो होता आ रहा है महाराष्ट्र में वही चलता रहेगा? तो ये उद्धव ठाकरे सरकार के सामने एक तरफ खाई और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने गड्ढा खोद दिया है, और यही दिक्कत है जिसकी वजह से शिवसेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता दोनों वो बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, महाविकास अघाड़ी सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। पहले तेल की कीमतों पर PM का वार और अब राहुल गांधी की हेट स्पीच पर BJP ने उसे घेर लिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया और कहा कि बाबा अपने इटालियन चश्मे को उतारे तब विकास दिखेगा। हेमंत विश्व शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि नेहरू जी तो असम को भी पाकिस्तान को देने वाले थे। किरेन रिजिजू और SJYSHANKAR ने भी तगड़ी लताड़ लगाई है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने पहले कहा था भारत एक राष्ट्र नहीं है और अब तो भारत की आत्मा को ही मार दिया। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है, भारत से है या मोदी सरकार से है? देखिए, राहुल गांधी की दिक्कत उनकी मूर्खता है। उनको अभी तक ढंग का कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला गुरु नहीं मिला, और जो मिलता भी है वो वामपंथी किस्म के होते हैं, JNU से पढ़े लिखे लोग, और जो भारत को अलग तरीके से समझाते हैं। कम से कम अपने दादाजी की किताब इसने पढ़ ली होती, पर दादा की, जवाहरलाल नेहरू की जी। तो कम से कम ऐसी वाहियात बातें नहीं किया करते। अगर इनको प्रधानमंत्री बनना है, कांग्रेस का लीडर बनना है, तो कम से कम जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान जब संविधान बनाया जा रहा था उसको ही पढ़ लिया होता। खैर, पढ़ने लिखने का वक्त कहाँ है? रैली में जाते हो तो ये पूछते हैं कि भाई, खैर मैं तो बेकार ही मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में जी। जो आदमी ठीक से अपना एक कंडोलेंस मैसेज अपने से नहीं लिख सकता, उसके लिए उसको मोबाइल में पहले से लिखा हुआ होता है, उसको जाके कॉपी करना होता है, तो वो तो आप समझिए किस तरह का स्टूडेंट रहा होगा ये, चीटिंग से पास करने वाला। तो इसके दिमाग में ये फितूर डाल दिया गया है कि इंडिया इज़ द नेशन ऑफ नेशनैलिटीज, हिंदुस्तान कोई राष्ट्र है ही नहीं, ये बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है, और इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब इसको यही समझ में आ रहा है। मतलब इसकी बुद्धिहीनता के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। आप ये बकवास कर देंगे अलग अलग राज्यों ने एक साथ मिलने के लिए ये किया वो किया, और ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री। उधर ही लंदन से टिकट कटा करके इटली में रुक जाओ, इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री, व्हाट द हेल यू आर कमिंग बैक? आप उधर ही रहो, खुश रहोगे, पार्टी वार्टी करने में दिक्कत नहीं होगा। यहां मीडिया वाले ढूंढते रहते 15 दिन के बाद ये कहां चला गया राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, झूठ बोलना पड़ता है कि मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं। तो कोई पूछता भाई मेडिटेशन के लिए कहां गए हुए हैं, थाईलैंड गए हुए मेडिटेशन के लिए? तो ये मूर्ख आदमी है जी। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ये शोभा देने लायक नहीं है, और पता नहीं कांग्रेस पार्टी कब तक और सोनिया गांधी अपने इस पुत्र मोह में सब कुछ खत्म करेगी। धृतराष्ट्र बन चुकी है सोनिया गांधी, और कांग्रेस का हाल वही होगा जो कौरवों का हुआ,
ये साफ साफ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी पीएम मोदी को कोसते हुए थकते नहीं हैं और विदेशों में डंका पीएम मोदी का ही पिट रहा है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही देख लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पीएम मोदी की तारीफ उस मुद्दे पर कर रहे हैं जिस पर महाविकास अघाड़ी सरकार बौखलाई हुई है। पीएम मोदी का पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करना इमरान खान को पसंद आया और वो पीएम की विदेश नीति को सराह रहे हैं कि क्वाड का हिस्सा होने के बाद भी भारत ने अमेरिका के दबाव के बाद भी जनता को राहत देने के लिए रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदा। डॉक्टर साहब, इमरान खान मोदी सरकार की तारीफ करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ये केजरीवाल है पाकिस्तान का, मैं बार बार कहूँ नटवर लाल है, मौका पड़ते एक गधे को भी बाप कह लेता है जी। ये इस तरह के लोग, ये तो चमेलियन गिरगिट, रंग बदलने उसको समय नहीं लगता। अब हुआ क्या है भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने 10, पाकिस्तान वाले सब बोल रहे हैं वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान अभी दुनिया में महंगाई के हिसाब से नंबर 3rd पोजीशन पे चल रहा है, 14% के आसपास महंगाई रेट है वहाँ पे जी। इन्फ्लेशन रेट 14%, यहाँ तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाए 14% में। अब ये सारी कारिस्तानी तो यही करके गया, जब ये खुद प्रधानमंत्री था तो उस समय भी 14% था जी। उस समय इसने दाम वाम बढ़ा दिए, अब सरकार चली गई तो महंगाई तो एक पिंच करता है लोगों को। जब भी आप पेट्रोल खरीदने जाते हो तो 2 सेकंड सोचते ही हो, वो तो प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वामपंथी पत्रकार यूपी के दौरान उछलते कूदते कि 200 रुपये हो जाएगा पेट्रोल तो भी आप वोट करोगे, तो सब कहते थे कि हाँ फिर भी मोदी को, देश बचेगा तो पेट्रोल का क्या है। तो ये मसला इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो अपनी जो कहते थे गलतियों को भुनाने के लिए, अब ये उल्टा कह रहा है कि देखो प्रधानमंत्री मोदी कर सकता है, ये शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकता जी। अरे भाई, शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, तुमने किया? जब तुम थे प्रधानमंत्री तो तुमने किया नहीं किया? और ये इस तरह की बातें बोल के लोगों को बरगलाने का काम कि देखिए अमेरिका के दबाव में नहीं आता है। भाई, तुमने भी पैसे नहीं घटाए थे, तुम्हारे ऊपर अमेरिका का दबाव था, चीन का दबाव था, ये बताओ। ये फ्रॉड किस्म के लीडर हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि जनता मूर्ख होती है, फ्री बीज के बारे में बातचीत करो, फ्री बीज के बारे में लोगों को सपने दिखाओ, आपको वोट मिलेगा। ये केजरीवाल का फोटो कॉपी है, इस बात को याद रखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और इसीलिए अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये इस तरह की वाहियात बातें करता है जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।